everyone, this is Ankush from SSS, and once again I welcome you all in the economics lecture series. And we have already done the topic of inflation. Inflation hum log acche se samajh chuke hain, theek hai. Agar aap ye wala lecture jaise matlab pehle dekh rahe hain monetary policy, to aap ye lecture dekh lijiye. Uske baad aap inflation ke char parts hain ab wo bhi acche se dekh lijiyega. तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी क्वेश्चंस हैं इन्फ्लेशन को लेके, वो सब आपके कवर हो जाएंगे होपफुली जो भी इन्फ्लेशन का मैंने पढ़ाया उसको देख के, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. और मॉनेटरी पॉलिसी हम अच्छे से समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो वर्ड है, मॉनेटरी यानी कि मनी से ये वर्ड आया है. कहाँ से आया है? मनी से. मनी के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी. अब मनी रिलेटेड क्या पॉलिसी, मतलब देखिए, हमने इन्फ्लेशन पढ़ा इससे पहले. क्या पढ़ा हमने? इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? तो इन्फ्लेशन इज जनरल राइज और परसिस्टेंट राइज इन द मनी, ठीक है. जब हमें लगे कि जो पैसा जो है, मनी जो है, कैश सप्लाई जो है या फिर लिक्विडिटी जो है मार्केट में ज़्यादा है. लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश या मनी सप्लाई, ठीक है. जब हमें लगे कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है या कैश सप्लाई ज़्यादा है या जो चीज़ों के जो प्राइस हैं, जो कॉमोडिटीज़ या गुड्स या सर्विसेज के जो प्राइस हैं, जो दाम हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो परसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है जी. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में जो पैसा है वो ज़्यादा है, ओके. तो लोगों के पास जो पैसा है स्पेंड करने के लिए वो ज़्यादा है, चीज़ों के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है. डिमांड जो है वो ज़्यादा है चीज़ों को लेके, तभी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मार्केट में इन्फ्लेशन है. अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, क्या यूज़ होता है? मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टूल है जिसके ज़रिए वो मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है. मार्केट में जो प्राइस स्टेबिलिटी लाता है, प्राइस स्टेबिलिटी कौन लाती है? मॉनेटरी पॉलिसी. क्या करती है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़ी सारी एम्स हैं या बड़े सारे गोल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है या फॉर्मुलेट कौन करता है? तो करता है जी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है. क्यों फॉर्मुलेट करता है? व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी के बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी. क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, यानी जो प्राइस हैं जो कॉमोडिटीज़ के, उनको मतलब एक लेवल पे लाना, उनकी स्टेबलाइज करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है. देखिए, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो एक्चुअली जो गवर्नमेंट है या जो रिजर्व बैंक है, वो क्या करता है? जो लोग हैं ना, उनको एकदम शॉक नहीं लगाना चाहता, ठीक है, कि भाई 100 रुपए की चीज़ एकदम से 1000 रुपए की होगी, तो लोग जो है वो शॉक में चले जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया. तो वो ये क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी कि भाई प्राइस इंक्रीज हो, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो, मतलब लोगों को एकदम शॉक नहीं लगे, धीरे धीरे इंक्रीज हो. 100 रुपए की चीज़ है, चलो 101 रुपए की होगी, फिर 110 रुपए की होगी, यू नो, कि लोगों को शॉक नहीं लगे, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज हो, यानी कि मार्केट में एक प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है. जब हमने इन्फ्लेशन समझा था तो मैंने आपको ये बताया था कि एक इन्फ्लेशन किसी हद तक मार्केट में होनी भी चाहिए, बिकॉज दैट इम्फसाइजेज, दैट एक्चुअली टेल्स अस कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ स्टेज पे है. अगर इन्फ्लेशन, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बनाती है, बट RBI के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसको MPC कहते हैं. क्या होता है? MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है. तो ये जो MPC है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसको ये टारगेट मिला हुआ है कि भाई आपने इन्फ्लेशन को, जैसे 4 इन्फ्लेशन आपने रखनी है, 4% इन्फ्लेशन जो है रखनी है, +2 या -2 हो सकता है, ठीक है. मतलब
या तो फोर जो है वो टारगेट है, ठीक है, फोर से प्लस माइनस टू जो है वो चल सकता है, मतलब आप लगा लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टू से जो 4% की जो इन्फ्लेशन है दैट इज रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन, इतनी ही होनी चाहिए। जब इसे इंक्रीज या 6% से इंक्रीज जब होने लगे तो फिर ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, ठीक है, ओके। अभी देखिए एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज एसेंशियली अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज, ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो मॉनेटरी अथॉरिटीज लेती हैं, ठीक है, जनरली सेंट्रल बैंक लेता है किसी भी कंट्री का। अब जैसे हमारी कंट्री के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि कितनी डिमांड है मार्केट में मनी की, कितनी सप्लाई जो है पैसे की होनी चाहिए विद द पब्लिक एंड द फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ लोन, कि भाई आपको कितना क्रेडिट देना है, मार्केट में कितना लोन देना है, किस इंटरेस्ट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करना है, अभी हम सब डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। टू अचीव प्री डिटरमिंड मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, ओके। मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होता है, हम कुछ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलिए या मॉनिटरी टूल्स बोलिए, तो कुछ देखिए अब ये बेसिकली क्या होता है मॉनिटरी पॉलिसी में ना, हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ कोई एक प्रोसेस है, ठीक है, की रेट्स हैं जो हम यूज करते हैं जिससे कि मॉनिटरी पॉलिसी को हम कंट्रोल करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली हम मॉनिटरी पॉलिसी में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जो हमने पढ़ने हैं आगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट मैग्नीट्यूड सच एज इंटरेस्ट रेट, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मतलब इसमें मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, इसमें मॉनिटरी पॉलिसी ये देखती है कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, मनी सप्लाई कितनी रखनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन कितना देना, मतलब कितना अवेलेबिलिटी, कितनी लोन की रखनी है, इंटरेस्ट रेट मतलब अगर लोन दोगे तो कितने इंटरेस्ट पे दोगे, मनी सप्लाई का मतलब कि मनी सप्लाई कितनी है मार्केट में, कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है या मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, एक्सट्रैक्ट करना है पैसा मार्केट से, ठीक है, विद अ व्यू टू अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए ये सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनिटरी पॉलिसी के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरी पॉलिसी का वो है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। लेकिन सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ही ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉनिटरी पॉलिसी का, और भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो ठीक है, तो सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ही नहीं है ऑब्जेक्टिव। देखिए पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी जब फ्रेम की गई थी तब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइस को स्टेबिलाइज करना, लेकिन विद द ग्रेजुअल जैसे जैसे टाइम होता गया, ठीक है, ग्रेजुअली कह सकते हो या टाइम के साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी और भी, उसको मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को देखना, ठीक है, ग्रोथ को देखना, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको देखना, ठीक है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम देखना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन योर सिलेबस, ठीक है, वेरी सून मैं जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट भी टॉपिक आपको कवर करा दूंगी, तो अभी तक आप अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, बाद में मैं आपको बता दूंगी कि सब बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आपको कहीं एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहां पे लिखा होगा ए एम्प्लॉयमेंट, बी स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, सी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज, डी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर ई ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वहां ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखने हैं, यहीं से जो है एमसीक्यूज भी बनते हैं, अपने नोट्स जो हैं आपके उनको अच्छे से रिवाइज करते चलिए, उन्हीं में ही सभी आंसर्स निकल जाते हैं, ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो मैंने आपको बिगिनिंग में कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी बनाता कौन है, तो आरबीआई बनाता है। आरबीआई के अंदर जो है एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, जो कि 2016 में बनी थी। कब बनी थी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, 2016 में बनी थी, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है जो कि 2016 में फॉर्मुलेट हुई थी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इंडिया। जो भी इंटरेस्ट रेट्स होंगे उनका बेंचमार्क जो है वो कौन डिसाइड करेगा,
मॉनिटरी पॉलिसी करेगा। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा कि बैंक रेट इतना है, रेपो रेट जो है वो इतना है, रिजर्व बैंक रेपो रेट जो है वो इतना है। अभी आप ये भी समझेंगे कि जो लोन है जो बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स है बाकी जो कमर्शियल बैंक्स है वो प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट जो है लोन का ज़्यादा हो गया, अभी इंटरेस्ट रेट जो है लोन का कम हो गया। अभी हम सुनेंगे कि भाई हाउसिंग पे जो इंटरेस्ट लोन है इस टाइम कम है तो चलो जी इस टाइम कम है तो ले लेते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट जो है जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं कब इंक्रीज़ करते हैं कब डिक्रीज़ करते हैं, तो ये सारे जो हैं ये इन्हीं रेट से जो है कंसर्न है, जो भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, या फिर जो हमारी बैंक रेट है। ठीक है, अभी आगे मैं सब समझाऊंगी आपको, SLR है, CRR है, बड़े सारे रेट्स हैं, अभी आगे हम सब समझेंगे एक एक करके। ठीक है, ओके, द मीटिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी सिट्स फॉर 3 डेज आफ्टर एवरी 2 मंथ्स टू डिसाइड द मॉनिटरी पॉलिसी। देखिए वैसे अगर मैं स्टैंडर्ड जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये कब कब मीटिंग करती है, तो मिनिमम 4 बार इसको मीटिंग करनी पड़ती है इन अ ईयर। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है कि भाई 4 टाइम्स जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एक साल में 4 बार बैठेगी और 4 बार जो है वो मीटिंग करेगी। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स की बात करूं तो ये जो है ये रिव्यू होते हैं, अब ये 4 से इंक्रीज भी हो सकती है, ये जो ऐसा नहीं है कि चार बार ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी। अगर आपको लग रहा है कि मतलब मार्केट में जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी हो रही है प्राइस की, इन्फ्लेशन बढ़ रही है या फिर रिसेशन आ रहा है, ठीक है, या फिर डिफ्लेशन आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको डिफ्लेशन क्या होता है या इन्फ्लेशन क्या होता है सब समझाया हुआ है। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं या अगर प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, तो इन सभी सिचुएशन में जो MPC है उसको बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। ओके, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो भी मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब हर 2 महीने के बाद जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो आएगी, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। अब वो अलग बात है कि इंटरेस्ट रेट उतने ही रखे जाएं या उनको इंक्रीज किया जाए या उनको डिक्रीज किया जाए। अभी काफ़ी देर से एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, काफ़ी देर से जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द परसिस्टेंट राइज इन द इंक्रीज लेवल, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो है वह काफ़ी बढ़ चुकी है, मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी इंक्रीज्ड है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट अभी तक देखिए, फॉर एग्जांपल आपको मैं अभी खैर डेफिनेशंस बाद में बताऊंगी, अभी अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं रेपो रेट जो है मेन जो रेट माना जाता है, जो मेन पॉलिसी रेट है दैट इज रेपो रेट, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल 4% पे चल रहा है अभी काफ़ी देर से। लेकिन अभी ऐसा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है अभी कहा जा रहा है, अभी देखिए जो लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अभी अप्रैल में ही आई है, ठीक है, कुछ 6 अप्रैल को ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठी थी, ठीक है, 6 अप्रैल को ऑलमोस्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बैठी थी और उन्होंने अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको डिसाइड किया, ठीक है, तो 6 से 8 अप्रैल तक ये मीटिंग चली अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है उनको चेंज नहीं किया गया, वो उतना ही रखा गया। लेकिन अभी नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कब आएगी, वो आएगी जून में, ठीक है, जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है जो कमेटी जो है वो जून में बैठेगी, मतलब अभी जून में जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो जून में जो इंटरेस्ट रेट को रिव्यू किया जाएगा उसमें इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये RBI के ऊपर ये प्रेशर है कि भाई इस तरह इन्फ्लेशन को आप कम करिए। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट है कि आपने 4 डिजिट तक ही इन्फ्लेशन रखनी है, मतलब 2 to 4 इन्फ्लेशन ही होनी चाहिए, इससे अगर ज़्यादा है तो जो RBI है दैट इज़ आंसरेबल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट RBI से पूछेगी कि भाई इतनी इन्फ्लेशन कैसे है मार्केट में, तो RBI जो है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये इसको इट इज़ आंसरेबल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पूछेगी RBI से कि भाई इतनी इन्फ्लेशन कैसे है, व्हाट आर यू डूइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये जो हमारे गवर्नर जी हैं जो RBI के, उनके ऊपर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन रेट को चेक करना। तो अभी जो अभी जून में अब काफ़ी ये डिबेट है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी जो जून में जो RBI की जो की इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको शायद इंक्रीज किया जाएगा ड्यू टू द इन्फ्लेशन, विच इज़ अभी जो इन्फ्लेशन रेट जो है अभी काफ़ी इन्फ्लेशन हो चुकी है ऑलरेडी इंडियन मार्केट में। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अभी जो है RBI शायद से जून में इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने से कैसे मनी सप्लाई कम होगी, अब आगे हम सभी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए कि मैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूँ तो देर आर टोटल 6 मेंबर्स इन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी,
ठीक है, टोटल 6 मेंबर होते हैं एमपीसी कमेटी में, जिसमें से जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के अपने ही मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मेंबर तो आरबीआई के गवर्नर खुद ही हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो आरबीआई का गवर्नर होते हैं, ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो तो एक मेंबर है ही, 3 मेंबर जो है वो आरबीआई के होते हैं, जो 3 मेंबर होते हैं इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट के की कोई ये पॉलिटिशियन वगैरह नहीं होते, ये किसी जैसे 3 मेंबर्स किसी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आईआईएम के कोई इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर होंगे उनको ले लेंगे, ठीक है, जो भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे जो हमारी कंट्री के किसी इंस्टीट्यूट के या किसी कॉलेज के हो सकते हैं रिप्यूटेड, ठीक है, उनके या ठीक है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं, उनको ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिया जाता है। तो देर आर टोटल 6 मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स हैं टोटल, ओके, ऑलराइट। अब देखिए आ जाते हैं जी बेसिकली व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब इस पे बात करते हैं, इससे आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई बनाती है, ठीक है, रिजर्व बैंक जब बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी तो किस शेप में बनाता है, तो देयर आर वेरियस टूल्स, देयर आर वेरियस टूल्स और देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट होती है, ठीक है, बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो जिससे मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं ना, इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्या होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है, डिफरेंस क्या है ये आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसमें हम डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं कि भाई इतनी इंटरेस्ट रेट जो है इतना ज़्यादा है इतना कम है। जो क्वालिटेटिव हैं उनमें हम बेसिकली बात करते हैं कि भाई आपने किस सेक्टर को कितना लोन प्रोवाइड करना है या किस सेक्टर को कितना क्रेडिट प्रोवाइड करना है, ये हम बात करते हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है। एक तो हो गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्लियर, क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव। एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या होती है, एक होती है, ये अब सभी आगे नोट्स में है, आपको सब बताऊंगी मैं। एक होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में ये होता है जब अगर मार्केट में पैसा कम हो, अगर मार्केट में पैसा इंक्रीज करना हो रिजर्व बैंक ने, तो वो क्या करती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है टू एक्सपैंड दी यू कैन से मनी सप्लाई इन दी मार्केट। इसी के ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शनरी। अब हमें लगे कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा है मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए, उस पैसे को स्क्वीज करने के लिए मार्केट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिसी अपनाएगी आरबीआई वो होगी कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब कि पैसा कॉन्ट्रैक्ट करना, पैसा एक्सट्रैक्ट करना। तो जब भी मार्केट से पैसा निकाल रही है आरबीआई तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और जब भी मार्केट में पैसा ईज कर रही है आरबीआई, लोन्स जो है कम इंटरेस्ट रेट्स पे दे रही है, पैसा ज़्यादा दे रही है मार्केट में, उसको बोलेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आगे अभी हम ये सारा समझेंगे। अभी एट प्रेजेंट जैसे कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी हाई इन इंडिया, ठीक है, अभी हमें पता है कि भाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इस केस में अभी आरबीआई जो है वो क्या अपनाने वाली है, ठीक है। अभी जैसे हमें पता है कि जो WPI है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है दैट इज 14.5%, वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, मतलब जो आरबीआई है उसको क्या करना चाहिए, अभी आरबीआई को अपनानी चाहिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या अपनानी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, यानी पैसा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं कि भाई आरबीआई क्यों नहीं अपना रही, अभी अप्रैल में ही उसने आरबीआई ने क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपना दी, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। देखिए कोविड की वजह से ऑलरेडी मतलब काफ़ी सफ़र कर चुके हैं जो हमारे बिजनेस हाउस हैं, इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बिजनेस मतलब बिजनेस ओरिएंटेड रहती है, जो भी हमारे मतलब आप कह सकते हो कि जो भी कॉरपोरेट हाउस है या बिजनेस हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोडक्शन, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी इकॉनमी। तो एकदम से आरबीआई ऐसा फैसला नहीं ले सकती, कोविड की वजह से इतना हिट की है मार्केट की, मार्केट में लोन प्रोवाइड करना भी नेसेसरी हो गया था रिजर्व बैंक के लिए, ठीक है, टू ईज टू कम्फर्ट दी बिजनेस हाउसेज विद मोर लोन, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया था। छोटे छोटे बिजनेस हाउस हैं, MSMEs हैं, काफ़ी बंद हो गए हैं इसकी वजह से, कोविड की वजह से। तो इसकी वजह से आरबीआई को पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनानी पड़ी, लेकिन अब मार्केट में पैसा इतना ज़्यादा मतलब प्राइस इंक्रीज इतना ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको अब कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, राइट। तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई ऐसे जादू की छड़ी है वो लगाएंगे तो सब प्राइस लेवल कम हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो बड़ी सारी मेजर्स होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर देख के हमें
मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो फ्रेम करनी पड़ती है एमपीसी को। ठीक है, तो चलिए पहले इनको टूल्स को समझते हैं, आपको इससे और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है जी हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की। पहले हम सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स देखेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स में बड़े सारे टूल्स हैं, उन सभी टूल्स को हम समझेंगे, सभी इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे, उसके बाद आएंगे क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हम क्वालिटेटिव को समझेंगे। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो अब देखिए एक ही मेथड है, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट है। रेपो रेट जो है एक्सपेंशनरी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है अभी हम आगे समझेंगे। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड है ये पहला, विच इज द रेपो रेट। एंड रेपो रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं या इसको आप पॉलिसी रेपो रेट भी कह सकते हैं। दिस इज अ की रेट, बहुत इंपॉर्टेंट रेट है आज की आज के टाइम पे जो रेपो रेट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है रेपो रेट, चलिए समझते हैं। देखिए रेपो रेट कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद बाकी भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी आपको। कोई बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी और बैंक है, आप सेंट्रल बैंक है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक नहीं, एक और सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ। तो बड़े सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सपोज उनके पास पैसे की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, तो उस पैसे को वो क्या करेंगे, अब इनके पास सपोज कमर्शियल बैंक है, उनके पास पैसा कम है, उनको पैसा जो है वो क्रेडिट पे लेना है, उधार पे लेना है, तो ये किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। बैंक्स जो है किसके पास चले गए, आरबीआई। नो आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, आरबीआई को की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिक्विडिटी वो क्या करेगी, अपने कमर्शियल बैंक को पैसा देगी। अब आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास जाएंगे कि बोलेंगे कि भाई हमें उधारी पे पैसा दे दो, तो रिजर्व बैंक जो है वो बोलेगी ठीक है जी आप ले जाओ जी उधारी पे पैसा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो है ये आरबीआई ये क्या करेगी, रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा देगी उधार पे। ठीक है, और इससे कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, बोलेगी कि भाई आप इतने इंटरेस्ट पे जो है पैसा मेरे से ले सकते हो, आरबीआई ये बोलेगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, रेपो रेट। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है बेसिकली, जो कमर्शियल जो बैंक्स हैं ना, इसमें अब देखिए सिर्फ बैंक्स नहीं है, इसमें जो है बैंक्स जो है वो आप कह सकते हो प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स भी हो सकते हैं इसमें, शेड्यूल्ड मतलब गवर्नमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी रेपो रेट के मतलब तहत जो है पैसा ले सकते हैं गवर्नमेंट से। और सिर्फ बैंक्स नहीं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कुछ और जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे LIC है, ठीक है, वो सब भी जो है पैसा गवर्नमेंट से ले सकते हैं रेपो रेट के ऊपर। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है, देखिए अब बैंक्स जो हैं उन्होंने आरबीआई से पैसा लेना है। ठीक है, लेना है, ओके। ठीक है, इनके पास सपोज आरबीआई बैंक्स जो हैं इनके पास लिक्विडिटी कम है, इनके पास पैसों के क्रंच है, ठीक है, तो इन मनी सप्लाई कम है, तो इन्होंने रिजर्व बैंक से पैसा उठाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, रिजर्व बैंक के पास जो पैसा उठाया इन्होंने क्या किया, रिजर्व बैंक को क्या दिया, अपनी कुछ इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी वो दी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स जो है क्या किया, बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के पास गया, बोला कि भाई हमें पैसे चाहिए, लेकिन इसके बदले बैंक्स ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी, जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं। ठीक है, ये सब जो हैं इन्होंने बैंक्स ने आरबीआई को आरबीआई से पैसा लिया, लेकिन उसको दिया क्या, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी। ठीक है, वो देके आरबीआई से पैसा ले लिया। लेकिन ऑन अ प्रॉमिस, अब इसके पीछे एक एग्रीमेंट भी हुआ, रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई मैं तुम्हें पैसा तो दे रहा हूं, लेकिन आफ्टर सम डेज। अब वो सम डेज कितनी होंगे, वो सम डेज एक दिन भी हो सकता है, 7 days भी हो सकता है, 14 days, मैक्सिमम 2 हफ्ते, वैसे तो एक हफ्ता ही होता है, 7 days होते हैं, बट मैक्सिमम 14 days। आरबीआई ने कहा कि भाई तुम्हें ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुमने मेरे पास रखी हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुम वापस ले जाओगे और मुझे मेरा पैसा वापस दे दोगे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो रेपो रेट होता है ना, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन। वेरी शॉर्ट टर्म लोन क्यों कहते हैं, एक तो ये ओवरनाइट लोन होता है, मतलब कि जब भी बैंक ने कहा तो ओवरनाइट, मतलब इन वन नाइट, इन वन डे यू कुड से आरबीआई को फटाफट से पैसा देना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ओके, आरबीआई को फटाफट से मतलब इमीडिएटली जो है आरबीआई को पैसा देना है बैंक्स को। जो बैंक्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अपनी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो रिजर्व बैंक के पास रखेंगे, और जो रिजर्व बैंक है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले जो है
कमर्शियल बैंक्स को पैसा देगा, लेकिन कमर्शियल बैंक्स ने मैक्सिमम विद इन 14 डेज वो जो पैसा है वो आरबीआई को वापस करना है, ओके, वापस करना है, और जो उसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई के पास रखी थी वो वापस ले लेनी है. तो इट इज़ बेसिकली रीपरचेज एग्रीमेंट, इट इज़ बेसिकली रीपरचेज एग्रीमेंट, मतलब कि पैसा जो है दोबारा कमर्शियल बैंक्स को वापस करना है आरबीआई को विद इन 14 डेज, और अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको रीपरचेज करना है, उनको वापस खरीद लेना है आरबीआई से. तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेपो रेट में. और रेपो रेट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनको कोलेटरल रखना पड़ता है आरबीआई के पास. क्या रखना पड़ता है? कोलेटरल, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है. अब ये सिक्योरिटी क्या है? यही इसके जो जो कमर्शियल पेपर्स दिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी, वही उसका क्या है, उसके कोलेटरल हैं. ठीक है, तो जो रेपो रेट में, जो अगर आपके ये पूछा जाए कि रेपो रेट में कोलेटरल रखना पड़ता है इसके पास, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, तो यस रखना पड़ता है. कोलेटरल किसे कहते हैं? कोई सिक्योरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोन लेते हैं, हम नॉर्मल इंसान, हम जाएंगे बैंक में, हमने लोन लिया बैंक से, तो हमें लोन के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी. ठीक है, मॉर्गेज रखना पड़ेगा. जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी रखेंगे, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि भाई हमें जो है लोन चाहिए, वो बोलेंगे भाई अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दो, प्रॉपर्टी दिखा दो. ठीक है, तो हम अपने लोन लेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, कुछ हमें गिरवी रखना पड़ेगा, गोल्ड देना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती है, ये इसको हम कोलेटरल रखते हैं, कहते हैं. हमें भी कोलेटरल रखना पड़ता है बैंक्स के पास लोन लेने के लिए. तो सिमिलर इज द केस विद द रेपो रेट. रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो बैंक्स हैं या कोई भी और इंस्टीट्यूट है जिसने आरबीआई से पैसा लेना है रेपो रेट के ऊपर, तो उसको कोलेटरल रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखनी पड़ेंगी, और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पे आरबीआई जो है पैसा देगा रेपो रेट के आधार पे कमर्शियल बैंक्स को. ठीक है, समझ आ गया. अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है. द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब हो गया पैसा, कैश. ठीक है, अप टू अ सर्टन लिमिट टू बैंक्स. अब ऐसा नहीं है वो अनलिमिटेड, ये देयर इज अ सर्टन लिमिट टू दिस. ठीक है, वो बैंक्स को जो है ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, किसको? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट बैंक्स को दे सकता है, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे सकता है, जैसे कि LIC, अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन उसमें कोलेटरल रखना पड़ेगा. ठीक है, और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं और कमर्शियल पेपर्स होते हैं. ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, वेरियस गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ओके, अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, एक होती है LAF, विच इज द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ठीक है, अब ये आगे बताती हूँ आपको लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है. ठीक है, बैंक्स कांट यूज SLR कोटा. ये क्या होता है, ये भी अभी आगे बताऊंगी आपको. ठीक है, रेपो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपरचेज एग्रीमेंट. सो इट इज अ रीपरचेज एग्रीमेंट कि भाई आरबीआई कह रहा है कि तुमने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास रख के पैसा मेरे से ले गए हो, लेकिन 7 डेज या 14 डेज के अंदर अंदर आके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले जाना और मुझे पैसा मेरा वापस दे जाना विद इंटरेस्ट. ओके, नाउ व्हेन बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट, बैंक्स कीप, ये मैंने यही यहाँ पे लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, कि बैंक्स कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद आरबीआई एंड गेट कैश इन रिटर्न विद अ प्रॉमिस दैट दे विल रिटर्न आफ्टर ओवरनाइट, दे विल रिटर्न दिस कैश टू आरबीआई एंड आरबीआई विल रिटर्न द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक टू बैंक. ठीक है, ऐसा होता है. नाउ रेपो रेट इज अ पॉलिसी रेट. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कम्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF इंट्रोड्यूस्ड इन जून 2010. नाउ व्हाट इज दिस? देखिए, LAF एक होता है जी, लिक्विड, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नाम से समझ गए कि जिस जहाँ पे आप लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हो. तो ये जो LAF है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बेसिकली क्या होता है? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यही होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं. अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ. लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आते हैं, आप ये याद रखिएगा. ठीक है, और ये जो LAF है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2010 में. कब हुई थी इंट्रोड्यूस? 2010 में. LAF बेसिकली क्या है? LAF है कि जिससे आप लिक्विडिटी को या जिससे आप कैश सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो थ्रू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. ओके, अब एक चीज अभी याद रखिएगा जो आगे मैं आपको समझाऊंगी कि ये SLR कोटा क्या होता है. अभी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, चलिए समझा देती हूँ पहले. देखिए, SLR कोटा क्या होता है, या SLR क्या होता है? एक रेट होता है, अभी आगे हमने पढ़ना है, SLR, जिसको कहते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो. अभी आगे मैं आपको ये बताना ही था मैंने आपको भी, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो. देखिए, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, अभी आप इतना समझिए. स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो ये रेट होता है, बेसिकली क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं, जो भी आरबीआई ने कहा हुआ है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि आपने अपने पास कुछ रेशो जो है पैसे की,
कैश की या गोल्ड की आपने अपनी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की आपने अपने पास रखनी है। अभी आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगी, अभी खाली आप इतना समझिए कि जो बैंक्स हैं दे हैव टू मेंटेन कैश और गोल्ड और बॉन्ड सप्लाई विद देमसेल्व्स। उनको अपने पास कैश या लिक्विडिटी जो है अपने पास मेंटेन करके रखनी होती है। बैंक्स को क्यों मेंटेन करके रखनी पड़ती है? देखिए आप अभी जो फॉर एग्जांपल उनके पास कोई कस्टमर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें इतना लोन चाहिए, हमें इतना क्रेडिट चाहिए, तो बैंक्स के पास होना तो चाहिए, कस्टमर्स को मनी सप्लाई होनी तो चाहिए कस्टमर को देने के लिए। तो इसीलिए ताकि जो बैंक्स हैं वो कभी शॉर्ट ऑफ फंड्स ना हो, कभी उनके पास पैसा कम ना पड़ जाए, इसीलिए रिजर्व बैंक ने बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को ही कहा हुआ है कि तुमने कुछ सप्लाई, कुछ मनी, कुछ कैश अपने पास रिजर्व रखना ही रखना है। तो उसने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, जैसे 18% चल रहा है अभी SLR कि 18% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक के पास होंगे, जो भी बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा होगा, जितना भी टोटल डिपॉजिट होगा, उसका 18% बैंक्स ने अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, वो 18% बैंक के पास होना ही चाहिए ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो ये RBI ने कहा हुआ है कि तुमने SLR अपने पास मेंटेन करके रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पे क्या जो बैंक्स हैं वो मतलब एज अ सिक्योरिटीज, SLR को एज अ सिक्योरिटी रख के क्या बैंक्स रिजर्व बैंक से लोन उठा सकते हैं, क्रेडिट उठा सकते हैं? तो उठा तो सकते हैं, लेकिन रेपो रेट के अंदर नहीं उठा सकते। अभी ये देखो कि जो रेपो रेट होता है ना, वो क्या होता है कि जिसपे जो बैंक्स हैं उन्होंने रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल रख के जो है पैसा उठा लिया RBI से, लेकिन यहाँ पे वो SLR को कोलेटरल नहीं रख सकते। अंडर रेपो रेट SLR जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो कोटा है उसको यूज़ करके कमर्शियल बैंक्स RBI से पैसा नहीं ले सकते रेपो रेट के अंदर, ठीक है, नहीं ले सकते। SLR को यूज़ कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं, बट रेपो रेट में SLR के अगेंस्ट लोन नहीं मिल सकता है, रेपो रेट में ये क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया, आगे भी और समझाऊंगी। नेक्स्ट इज द रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट को समझ लेते हैं कि क्या होता है। रेपो रेट समझ आ गया। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूं, अभी जो अप्रैल की जो अभी रिसेंटली इसी महीने की जो MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उसमें जो रेपो रेट था वो 4% ही रखा गया, पहले भी 4% था, तो इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। तो रेपो रेट इज 4%, यानी 4% के इंटरेस्ट रेट पे जो RBI है वो पैसा जो है वो देगी उधार पे किसको, बैंक्स को देती है। अभी एट प्रेजेंट 4% रखा गया है, ठीक है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि आने वाली अभी जो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शायद इस रेपो रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं हम? देखिए रिवर्स रेपो रेट वो रेट है, देखिए काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन है एक्चुअली रिवर्स रेपो रेट को बच्चों को लेके ना काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई रिवर्स रेपो रेट है क्या। रिवर्स रेपो रेट वो है जिसमें जो RBI है वो पैसा लेती है बैंक से, इसमें उल्टा होता है, रिवर्स है, इसमें पहले जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो या जो बैंक्स हैं वो RBI से पैसा ले रहे थे, इसमें जो RBI है वो बैंक से पैसा ले रही है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के केस में ऐसा होता है, ओके। अब देखिए है क्या इसमें, इस सिचुएशन में कहीं कहीं आपको देखने में ये मिलेगा कि जो बैंक्स होते हैं ना, जो बैंक्स होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं, या तो ऐसा आएगा देखने में, या फिर ऐसा आएगा कि जो रिजर्व बैंक हैं वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं, कभी ऐसा भी आएगा, ठीक है। मैंने MCQs भी करवाए हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो वंस यू गो थ्रू विद दिस लेक्चर, जब आप ये मॉनेटरी पॉलिसी पूरा कर लेंगे तब आप MCQs उसके देख लीजिएगा, बट कई स्टूडेंट्स ने MCQs पहले देख लिए होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी MCQs मैं करा चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो रिजर्व, जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो ये रेट होता है जिसपे जो बैंक्स हैं उनके पास जब एक्स्ट्रा कैश होता है, जब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है, वो RBI के पास रख देते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने उस टाइम ये कहा था कि मैम ये नहीं होता, ये होता है कि जिसमें रिजर्व बैंक जो है वो बैंक से पैसा लेता है। तो ऐसा भी है, देखिए दोनों डेफिनेशन सही हैं। बैंक्स जो है एक्स्ट्रा पैसा अपने पास, अपना RBI के पास रख देते हैं, या जो RBI है वो बैंक से जो है पैसा ले लेती है रिजर्व बैंक के केस में, तो बोथ द सिचुएशंस आर सही, बोथ द सिचुएशंस आर करेक्ट। देखिए होता क्या है बेसिकली, रिवर्स रेपो रेट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें रिजर्व बैंक का, इसमें ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक को कमर्शियल बैंक से पैसा उठाना होता है, ऐसी सिचुएशन इसमें नहीं होती है। इसमें बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि जब रिजर्व बैंक जो है उसको ये लग रहा है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो RBI है
इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई वांट्स टू एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, देयरफॉर इट डज दिस रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन. ये रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन तब किया जाता है जब आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी है मार्केट से, तो आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से पैसा उठा लेती है, उससे पैसा कम हो जाता है मार्केट में. ठीक है, ये सिचुएशन होती है बेसिकली रिवर्स रेपो रेट में. नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स रेपो रेट, और इस पे आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी बैंक्स को. आरबीआई अगर पैसा लेगी, कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, तो इसमें आरबीआई जो है वो पैसा जो है वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट भी देती है बैंक्स को. नो डाउट वो जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से कम होता है. ठीक है, वो रेपो रेट से कितना कम होता है, 0.65% कम होता है. यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या होगा, रेपो रेट माइनस 0.65%. तो जितना भी रेपो रेट होगा ना, रेपो रेट में से आप 0.65% माइनस कर देंगे तो रिवर्स रेपो रेट निकल जाएगा. अभी जैसे रेपो रेट कितना है, मैंने कितना कहा 4% है. ठीक है, 4% है, तो रिवर्स रेपो रेट कितना हुआ, 4 में से माइनस 0.65 कर लो, विच इज 3.35%. तो एट प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%. यानी कि जब आरबीआई जो है वो पैसा लेगी रिजर्व बैंक के, सॉरी जो आरबी जो रिजर्व बैंक है वो पैसा लेगी जब कमर्शियल बैंक से, तो उसको क्या करेगी, उस पर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, 3.35%. ठीक है, तो 3.35% पे रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई जो है पैसा उठाएगी बैंक से. ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखी है मैंने, द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी ऑन एन ओवरनाइट बेसिस, अगेन दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म, ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द LAF. तो ये भी किसके अंदर आता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है. ठीक है, रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट पेड बाय द आरबीआई टू इट्स क्लाइंट्स, यानी कि टू क्लाइंट्स कौन से हो गए, बैंक्स हो गए, जहां से पैसा उठाती है वो, फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, फॉर शॉर्ट टर्म्स लोन. ठीक है, तो अगर आप कहीं ऐसा पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है बैंक्स के पास वो आरबीआई के पास रख देते हैं इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर आप ऐसा देखते हैं कि जो आरबीआई है वो पैसा उठाती है, ठीक है, या वो किसी इंटरेस्ट रेट पे जो है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए वो आप कह सकते हो कमर्शियल बैंक से क्रेडिट लेती है, लोन लेती है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, बट द मेन एम इज टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट इन रिवर्स रेपो रेट सिचुएशन. ओके, ऑल राइट, सो दिस इज द रिवर्स रेपो रेट विच इज अभी कितना है एट प्रेजेंट, 3.35%. ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि कैसे ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है, कैसे लिक्विडिटी एक्सेस होती है, ये मैं आपको समझाती हूँ. अभी देखिए क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इंटरेस्ट रेट अगर सपोज कम है, ठीक है, जैसे रेपो रेट जो है वो कम है, या ठीक है अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, अगर आरबीआई जो है वो कम इंटरेस्ट रेट लगा रही है बैंक्स के ऊपर, तो जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, यानी कि बैंक्स जो हैं वो इन रिटर्न, इन टर्न जब बैंक्स क्या करेंगे, जब वो कस्टमर्स को लोन्स देंगे तो वो भी इजी लोन प्रोवाइड करेंगे, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे जो है कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा है बैंक्स के पास भी, तो इसलिए इजीली लोन अवेलेबल कर देंगे, इजीली इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करके बैंक्स को प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, और जो बैंक्स हैं वो कस्टमर्स को कम करके लोन्स प्रोवाइड कर देंगे, उसकी वजह से जो लोन्स हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बिजनेस हाउसेज जो हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोन उठाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लोन अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, जिसकी वजह से लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है एंड इट मे कॉज इन्फ्लेशन इन द मार्केट. ठीक है, अब अगर इसी को हम बोलेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, अब अगर अब बैंक रिजर्व बैंक को ये लगा कि भाई मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, तो अब रिजर्व बैंक को फिर इंटरवीन करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी. अब अगर जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी दिक्कत होगी पैसा उठाने में कि भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो जब उसके पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो जो नॉर्मल जो कस्टमर्स हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, जो लोन है वो लेना पड़ेगा बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में से जो मनी है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं. ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, जब लिक्विडिटी बढ़ती है, तो उसको कम करने के लिए जो आरबीआई है वो अपने रेट्स को अपने नॉर्मल
जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज कर देती है, और अगर मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा करनी हो मार्केट में तो वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज कर देती है। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है वो चलता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब ये सारी सिचुएशन समझ आ गई होगी, तो ये इसको आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिए, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन यू रीड इट, यू रिवाइज इट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।